इंसर्ट थ्री रैशनल नंबर, बिकॉज बांध के चलिए बेटे इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आना है फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, ठीक है, बोर्ड एग्जाम तो अभी है ही नहीं. इंसर्ट थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 2 by 7 एंड 4 by 3. सब बच्चे बताओ कैसे आप इसमें इंसर्ट करोगे, जल्दी से फटाफट सब बच्चे, तीनों से पूछना है मुझे. हरीबा आप बताओ कैसे करोगे बेटा इसको. सर डिनोमिनेटर को सेम करके. वेरी नाइस बेटे, शाबाश. तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं बताओ हरीबा. सर दोनों नंबर को ऐसे नंबर, दोनों नंबर को कॉमन मल्टीपल बताइए, क्या किस कॉमन मल्टीपल क्या. जैसे सर अगर चलिए रिजवान आप बताइए बेटे क्या करें. सर 7 और 3 का एलसीएम लेंगे. वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे. 7 3 का एलसीएम क्या आता है. 21 आएगा. 21 आएगा, गुड. सर 21 जी, तो 21 से क्या करेंगे फिर. है बोलिए शाबाश. सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सर 2 को 3 से, 4 को 7 से, 28 + 6 यानी 34, 34/21. नहीं, जैसे हमारे पास 2 by 7 है सर, तो 6 by 21 और 28 by 21 हो जाएगा. ओके सादिक आप बताओ बेटे क्या करेंगे. मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सादिक आप बताइए बेटे. सर पहले दोनों के एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे. क्या करें बताइए. सर हम 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 21 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 3 21 आएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6/21 और 3 7 21 होगा, फिर 4 7 28 तो दूसरा हो जाएगा सर 28/21. सर हम उन दोनों के बीच में जो भी रैशनल नंबर है उसको इंसर्ट कर देंगे. बहुत अच्छे, आप तीनों को अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया है सॉल्यूशन का इसका मतलब. बट एक तो बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इसका मतलब, इसलिए आपकी स्पीड नहीं है. सादिक को है स्पीड, कुछ नहीं सोचना होता बेटे. एक्चुअली क्या होता है, अगर आपके पास एक 7 है और एक 3 है और ये ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्चुअली को प्राइम नंबर है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था. अगर हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है. बगैर सोचे समझे सोच सकते हो कि इनका प्रोडक्ट एलसीएम जो है वो 21 है. अगर 21 है तो आपको डेनोमिनेटर सेम करना है तो उसे न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो विद इन सेकेंड आपको कहना था कि 2 by 7 को आपको मल्टीप्लाई करना है इससे बेटे, 3 से जो नीचे है, तो 3 और 3 और 4 by 7 को आपको मल्टीप्लाई करना था. ये जो 7 है आपके पास इससे, तो 7 से ही डेनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो आपको करना था 7 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास नंबर हो जाते 6/21 एंड 28/20. तो नाउ जब आप डेनोमिनेटर को सेम करते हो फिर आपको ये चेक करना है कि क्या न्यूमरेटर में कुछ गैप है या नहीं. तो यस देयर इज अ वेरी बिग गैप From 6 to 28 और आपको सिर्फ इंसर्ट 3 नंबर्स करने, तो आप कोई से भी 3 नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो. तो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, एनी 3 जो भी आप लिखना चाहें, स्पेशली 7/21, 8/21, 9/21. तो दीज आर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, बट प्लीज प्रैक्टिस किया करो. तो यहाँ तक तो हमारे पास था रैशनल नंबर्स के बारे में, अब हमारे पास थोड़ा सा इरेशनल नंबर के लिए आएगा, उसको देख ले. ओके तो सेकंड एक्सरसाइज में जो हमारे पास है वो इंपॉर्टेंट चीज है, लोकेट √2, √3 ऑन नंबर लाइन. और इसको हम दो तरीके से करते हैं, तो दोनों ही तरीके हम सीखेंगे पहले से, और ये दो एक्सरसाइज अलग अलग हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है, तो आप सब बच्चे इसको आज सीख लीजिए.
एग्जाम्पल थ्री, और ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कहा कि रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए कह सकता है, ऐसे ही इसमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर जरूर एग्जाम में पूछ सकता है। 100% तो मैं श्योरिटी नहीं कहूंगा, बट 99% चांसेस होते हैं कि टीचर्स हमारे इस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन, तो आज हम इंशाल्लाह दोनों ही मेथड सीख लेंगे, कोशिश करेंगे दोनों मेथड हमसे आ जाए। तो लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन, रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन, रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन, ये हमारे पास है। आप सब बच्चे जरा ध्यान से देखिए, जरा एक्चुअली होता क्या है, यूज किस चीज का हो रहा है और कैसे हम इसको करेंगे। नंबर लाइन तो हमें पता ही है कि हमारे पास इक्विडिस्टेंट टर्म्स होते हैं, इक्विडिस्टेंट नंबर्स होते हैं, ये नंबर लाइन। ये हमारे पास नंबर लाइन है, हम जीरो से स्टार्ट मानते हैं, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स होते हैं 1, 2, 3, इधर हम माइनस में लेते हैं। तो एक्चुअली सारे रियल नंबर्स यहाँ इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, दैट्स व्हाई हम इन नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ यूज करेंगे, मेरे सामने डिलीट कर दीजिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए बेटे, अगर आपके वहां पे आपस में बात हो रही है, प्लीज आप क्लास कर रहे हैं तो आप खुद बात मत करिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है, 6th-7th क्लास से सारे बच्चे इसको पढ़ते आ रहे होंगे। पाइथागोरस क्या होता है, अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल है, इन ए राइट ट्रायंगल, तो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, वो सब बच्चों को पता है क्या कहते हैं उसको, हाइपोटेनस कहते हैं। वेरी गुड, अकेला ऐसा ट्रायंगल है जिसकी साइड्स के नाम रखे हुए हमने, वेरी स्पेशल ट्रायंगल, किसी और ट्रायंगल की साइड्स के नाम नहीं है। अदर हमारे पास जो होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, स्पेशली क्या है, स्पेशली ये है कि इसमें हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम इस थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है सर, अपनी साइड्स को निकालें। आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए बेटे। तो हमारे पास क्या होगा बेटे, जो हमारे पास राइट ट्रायंगल है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, अगर हमारे पास दो साइड ये हो जाए, मान लो ये वन है ये वन है, तो फिर हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज 2। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज 2, और सिंपली हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट 2, ये हमारे पास। तो हाइपोटेनस हमारा रूट 2 जाएगा। तो अगर हम ये दो साइड ले रहे हैं, लॉजिक समझिए, फिर क्वेश्चन तो सारे एक जैसे लगेंगे आपको। तो यहाँ हमारा सम होना है, लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, रिवर्स क्या कर दूं, अगर मैं राइट ट्राइंगल में बेटे, आप खुद सोच लीजिए, अगर मैं सपोज करो एक साइड ले लूं 4 या 2 ले लूं, और एक साइड में 1 ले लूं, फिर ये जो मेरे पास साइड बचेगी, ये इनके स्क्वायर का डिफरेंस होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा। तो फिर मेरा ये वाली जो साइड होगी, ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, तो अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर में कह रहा हूं,
तो 4 माइनस 1 इज 3 रूट 3 तो परपेंडिकुलर इज रूट 3 यस बेटे तो इस तरह से हमारे पास साइड आ सकती हैं यहाँ हमारे पास आया रूट 2 और यहाँ हमारे पास आया रूट 3 तो हमें क्या करना है जिस भी स्क्वायर रूट को हमें रखना है हमें ये देखना है आइदर द सम जैसे यहाँ हमारा सम आया है इस सम के इक्वल है क्या या फिर हमें देखना है क्या डिफरेंस के इक्वल है क्या अगर डिफरेंस आएगा तो हम किसी एक साइड को कंसीडर करेंगे और अगर सम आएगा तो हम हाइपोटेनस को कंसीडर करेंगे इतना सा है देखो मैं अभी आपको दोनों चीजें करके बताता हूँ मान लो हमसे कह रहा है रूट टू को डिफाइन करिए रूट टू को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करिए तो आप ये देखो कि रूट टू का स्क्वायर जो आपको स्क्वायर रूट में है उसका स्क्वायर अदर टू नंबर्स के स्क्वायर के सम के या डिफरेंस के इक्वल है क्या डू यू हैव सम नंबर्स हुज स्क्वायर आइदर सम और डिफरेंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दैट नंबर तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली टू तो टू जो है अदर नंबर्स के स्क्वायर के इक्वल है नहीं जी रिजवान बोलो क्या पूछना चाह रहे हो कुछ पूछ रहे हो ठीक है तो रूट टू का स्क्वायर अदर टू नंबर्स के स्क्वायर के सम के अभी मैं दूसरे नंबर्स भी दूंगा आपको फिर आप सोचना कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 1 5 नहीं ये लॉजिक नहीं है अगर मुझे 13 चाहिए तो फिर देखो आपके बुक में तो क्या कह रहा है आपकी बुक में तो क्या कह रहा है कि सर ये नंबर लाइन ले लीजिए ध्यान से देख लीजिए बेटे जो आपकी बुक में मेंशन है ये जीरो है यहाँ पे आपने वन लिया तो ये मेरा वन हो गया अगर फिर आपने वन ले लिया तो ये भी वन तो सर ये टू हो जाएगा रूट टू इस रूट टू पे अगर आपने वन ले लिया तो सर ये रूट थ्री हो जाएगा ठीक है सर इस रूट थ्री पे अगर आपने वन ले लिया तो सर ये रूट फोर हो जाएगा इस रूट फोर पे वन ले लिया तो सर रूट फाइव सर ये कहाँ तक करेंगे हम मुझे रूट थर्टीन लेना है तो मैं किस तरह से बनाऊंगा तो ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं कि वन ऐड करते जाओ उससे नहीं सर मेथड ये है कि मेरे पास जो राइट ट्रायंगल है थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है इसलिए थोड़ी डिटेल में जा रहा है तो बोर मत हो जाना प्लीज ध्यान से सुनते रहिए जब हम करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा अच्छा ये ऐसे होता है लॉजिक पता चले कि जो हमारे पास राइट ट्रायंगल या तो दो साइड का सम Either sum of two sides square is equals to जो भी हमारे पास नंबर है उसका स्क्वायर जो भी नंबर है स्क्वायर रूट में उसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए या फिर डिफरेंस ऑफ टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी हमारा अंडर रूट में नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए ठीक है सर तो जैसे हमसे कह रहा था वन प्लस वन तो वो तो बहुत ही सिंपल है रूट टू का स्क्वायर टू स्क्वायर के सम के इक्वल होता है वो टू नंबर है वन प्लस वन तो क्योंकि सम के इक्वल है तो रूट टू हाइपोटेनस पे बनेगा तो हाइपोटेनस पे कैसे बनेगा आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लीजिए और जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हमें स्टेप्स लिखने हैं अगर आपके टीचर्स चाहते हैं कि स्टेप्स भी मेंशन करिए वहां पे आप इक्विडिस्टेंट टर्म्स ले लीजिए जीरो थोड़ा सा गैप रख लीजिए वन टू इक्विडिस्टेंट पॉइंट लेने तो आपने क्या किया इधर माइनस में तो चाहिए नहीं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी थोड़ी सी डार्क करिएगा जब कंस्ट्रक्शन टाइप आप करेंगे तो जब आप मेंशन करेंगे थोड़ा अच्छा लिखिएगा इस तरह से तो आपने इसको कहा ओ और इसको कहा ए अब यहाँ ओ ए पे आप एक जो है 90 डिग्री एंगल बनाए 90 डिग्री एंगल ऐसे और इसमें से भी आप वन कट कर लीजिए ये वन यूनिट है यहां से यहां तो इसमें से भी आप वन यूनिट कट कर लीजिए सपोज करो यहां आपने कट कर लिया आर्क लगा लिया ये हो गया आपका बी अब अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे ओ बी को तो ऑटोमेटिकली ये आपका रूट टू आएगा लेकिन आपको जो अपना ये रूट टू लाना है वो आपको प्लीज ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे वो आपको लाना है नंबर लाइन पे तो आप क्या करेंगे जो आपके पास कंपास की निडल होती है उसको यहाँ ओ पे रखेंगे यहाँ ओ पे और आर्क लेंगे बी तक तो अगर आप आर्क रखेंगे बी तक तो इस तरह से आप आर्क लगाएंगे ऐसे मतलब ओ को अगर मैं सेंटर ले लूं और ओ बी को मैं एज ए रेडियस ले लूं तो मेरा ऐसे सर्किल जा सकता है आप सब बच्चों को समझ में आना चाहिए ऐसे
ये सर्कल, ऐसे सर्कल। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि नंबर लाइन पे ये कट कहाँ कर रहे हैं। तो एक ही साइड ले लेते हैं, दोनों साइड लेने की जरूरत नहीं है। तो जब हम ओ पे हम ऐसे अपना कंपास के निडल रखेंगे और ए ओ बी को हम ऐसे रेडियस लेंगे, तो ये सपोज करो ओ सी पे कट कर रहा है यहाँ नंबर लाइन पे, तो ओ बी और ओ सी उस केस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही सर्किल की रेडियस हो गए। तो आप कहेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रूट टू। ये हमारा प्रेजेंटेशन है रूट टू का नंबर लाइन पे। तो आपने क्या किया, प्लीज ध्यान से स्टेप देख लीजिए, अगर उसका प्रूफ देना होगा तो प्रूफ भी देंगे। हम क्या करेंगे, जो जैसे हमने किया वैसे हम करेंगे, टेक ओ ए इज इक्वल टू वन ऑन नंबर लाइन, ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट ओ ए बी 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर ऑन ओ सी, जैसे भी आप कह सकते हो। कट ए बी इज इक्वल टू वन, जॉइन ओ बी हेयर, अच्छा फिर आप क्या कर लीजिए वो मार्क कर लीजिए आर्क ओ एज ए सेंटर, ओ बी एज ए रेडियस, मार्क एन आर्क ऑन नंबर लाइन, और आर्क भी आपने क्या लिखा ओ सी, सो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू रूट टू। तो ये आप ना मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको इसका प्रूफ देना है तो आप इसका प्रूफ भी दे सकते हैं कि भाई आप वेरीफाई करो। तो इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए इज वन इज वन, वन प्लस वन इज टू, सो ओ बी स्क्वायर इज टू एंड सिंपली ओ बी इज रूट टू, दैट इज माई प्रूफ। कुछ बच्चों को ये थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, क्या समझ में आया? यस सर। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं अभी, क्योंकि अभी हम दो तीन चीजें और समझेंगे तब आपको पता चलेगा अच्छा राइट ट्राइंगल इस तरह से यूज हो रहा है, राइट ट्राइंगल ऐसे यूज हो रहा है। और मैं कल आपको बोर्ड पे सिखाऊंगा कि कैसे कंपास यूज करते हैं कैसे वो, आज तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ तो आप मेरा हाथ नहीं देख पा रहे हो, मैं डिजिटल बोर्ड पे आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि हम कैसे आर्क लगाते हैं, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह बोर्ड पे लेंगे। कुछ समझ में आया, थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो बताओ सब बच्चे। यस सर आ गया। हाँ भाई और भी बच्चे हैं माशाल्लाह, सब बोलो थोड़ा सा। हम आपसे क्या कह रहे हैं दोबारा से सुन लीजिए, क्योंकि अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, ये नहीं पूछूंगा 2, 3, 5, अब मैं कुछ और पूछूंगा तो आपको समझ में आएगा हुआ क्या। सब बच्चे सुनो, हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास राइट ट्राइंगल है, आपको कोई भी नंबर लेना है अंडर रूट का, तो या तो लेना है साइड के इक्वल या लेना है हाइपोटेनस के इक्वल। सपोज करो मैं कहूं बेटे आपको, जरा एक मिनट रुक जाते हैं, अजान होने दीजिए माशाल्लाह, एक मिनट रुक जाते हैं। आप चाहो तो एक बार पेन कॉपी चलाओ जिससे थोड़ा सा आपकी नींद भागेगी, एक्टिव हो जाओगे। सब बच्चे जरा करो कोशिश, इसी वाले को करो कोशिश, सब बच्चे प्लीज, कितने अजान हो माशाल्लाह इतने लिख लो, थोड़ा सा पेन कॉपी चलाओ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाओगे, लिखो शाबाश, अजान हो जाओ।